brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे करीब करीब आ चुके हैं और ये नतीजे एग्जिट पोल को गलत ठहराते हुए कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन 300 के आंकड़े के नीचे रह सकता है। बीजेपी अपने बूते पर सरकार बनाती हुई नज़र नहीं आ रही है और शायद वो 250 से नीचे या 240 के आसपास रह सकती है और कांग्रेस पार्टी 100 सीट के आंकड़े को छूती हुई नज़र आ रही है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव जी, जो नतीजों से पहले, एग्जिट पोल से पहले करीब करीब इन्हीं नतीजों की, जिसे कहते हैं कि भविष्यवाणी कर रहे थे या अपना आकलन बता रहे थे। योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो जो नतीजे आए हैं उन पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नीरज भाई, पहला तो इस चीज का संतोष है कि मैंने आपके पास आके, न्यूज तक में आके, आप सब कुलीग से जब बात की थी तो मैंने मोटे तौर पे वही तस्वीर रखी थी जो कि आज परिणाम में आ रही है, तो इसका छोटा संतोष तो है ही। उससे ज्यादा बड़ा इस बात का संतोष है कि इस देश की चुनाव व्यवस्था वाकई काम करती है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में संदेह था कि वोट कहीं और डलेगा, निकलेगा किसी और का, देखना कुछ धांधली होगी। वो नहीं हुई और एक हिंदुस्तानी के रूप में आपको इस चीज का गर्व होना चाहिए। मुझे गर्व है, संतोष है इस बात का। लेकिन सबसे बड़ा संतोष एक तीसरी बात का है, वो ये है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र को खत्म नहीं किया जा सकता, संविधान से छेड़खानी करना संभव नहीं। इस देश में चाहे जितना आप कर लीजिए, पैसा आपके पास, मीडिया आपकी जेब में, पूरी संस्थाएं आपके कब्जे में, चुनाव आयोग तक पक्षपाती, इस सब के बावजूद ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक ने खड़ा होके इस देश के लोकतंत्र को बचा लिया। तो आज मैं कहूंगा ये तंत्र पे लोक की विजय, जो तंत्र ने कब्जा कर रखा था लोक पे, वो बदला है। मेरे लिए आज की सबसे बड़ी संतोष और खुशी की बात ये आंकड़े हमें नजर आ रहे हैं उससे अभी ये लगता है कि एनडीए गठबंधन सरकार तो बना ही लेगा। तो अगर एनडीए गठबंधन फिर से सरकार में आता है तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार पिछले 10 साल से जिस मजबूती के साथ काम कर रही थी या जिस रवैये के साथ काम कर रही थी, ये सरकार फिलहाल 2024 में भी बनी तो दोबारा इसी तरीके से काम कर पाएगी या कोई अंतर होगा? नीरज जी, आपने अच्छा किया, संशोधन कर लिया मजबूती शब्द में, क्योंकि हिंदी में इसके लिए बहुत बेहतर शब्द है, उच्छृंखलता, उद्दंडता, अहंकार, एकाधिकार, ये सब, एक छत्र राज, वो सब चीज चल रही थी इस देश के अंदर और उस पे ब्रेक लग गई। जैसा कि आपको याद होगा, जब हमने बात की थी उस दिन पहले, मैंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे वो साफ कह रहे थे कि हाँ, बीजेपी मेजोरिटी से बहुत नीचे रहेगी, लेकिन कुल मिला के एनडीए का आंकड़ा 272 के पार जाने की संभावना, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इतना मैंने तब भी कहा था, इसे आप आज भी याद रखिए कि जिसे बीजेपी का जो आंकड़ा है वो तो ठोस, जो एनडीए का आंकड़ा है उसमें कई कच्ची ईंटें। चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता कैसा है ये किसी से कोई छुपी हुई बात नहीं। पहला मौका मिलते ही चंद्रबाबू नायडू उनको छोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उधर नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और उनको क्या क्या उपनाम मिले हैं ये आप भी जानते हैं, तो इसलिए ये मत मान लीजिए कि ये जो 290 के करीब सीटें इस वक्त एनडीए की दिखाई दे रही, ये बीजेपी के पक्के सहयोगियों। लेकिन ये कहने के बाद, ये तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति सबसे पहला मौका देंगे बीजेपी को और बीजेपी कोई ना कोई कोशिश तो करेगी। ये तो 290 है, मैं कहता हूं अगर इनके 250 भी आते तब भी मुंबई से कुछ चार्टर्ड प्लेन्स आते, तब भी कुछ होता, लेन देन होता और सरकार बनाने का जुगाड़ किया जाता, इसमें कोई संदेह नहीं। सरकार बनाने के जुगाड़ जो दिल्ली में होते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। नरेंद्र मोदी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, मोदानी नामक एक सिस्टम है इस देश, जो सिस्टम सरकार पे अपना कब्जा बनाए रखेगा। लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण वो चीज नहीं, मैंने तब भी कहा था मेरे लिए जनादेश में इसमें कोई संदेह नहीं कि तमाम चीजों का जुगाड़ करने के बाद मोदी जी हार गए, और हारे ही नहीं,
पूरी तरह से हार। मैंने तब कहा था, उसी बात को शब्दशः दोहरा रहा हूं, 300 से एक सीट कम आती तो बीजेपी की नैतिक हार, 272 से एक भी सीट कम आती तो बीजेपी की राजनीतिक पराजय, और 250 से एक सीट कम आना नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत हार। ये तो सब हुआ है। जनादेश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जनादेश में हारने के बाद लोग सरकार बनाते हैं, तमाम तिकड़म करके करते हैं, थिया पांचा होता है, सब तरह की चीजें होती है, सरकार हो सकता है बन जाए, लेकिन वो सरकार वो नहीं होगी, वो उद्दंडता नहीं कर सकती जो पिछली सरकारों ने, संविधान से छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं, किसान से पंगा लेने से पहले कान को हाथ लगाए। और मेरी उम्मीद है कि इस देश में लोकतंत्र का स्वर खुल जाएगा, मीडिया का भी, न्यूज तक तो चीजें करता ही रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके बाकी जितने भी कंसर्न्स हैं इस देश की, जितनी अन्य मीडिया संस्थाएं हैं, उनका गला भी थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो जाए, बहुत अच्छी चीज है। मीडिया का गला खुले तो बहुत सुंदर, मुझे एक संगीत की तरह दिखता है जब मीडिया का गला खुल जाता है, वो हो जाएगा। मुझे लगता है कि कोर्ट कचहरी भी अब कानून की वो इबारत पढ़ना शुरू कर देंगे जो कई दिन से उनको धुंधली सी नजर आ रही थी, वो भी उनको दिखनी शुरू हो जाएंगी। मेरी उम्मीद ये है कि देश की तमाम दूसरी संस्थाएं, ब्यूरोक्रेसी से लेके बाकी सब, थोड़ा थोड़ा संविधान की दिशा में झुकना शुरू कर देंगी। पूरी स्वतंत्र हो जाएंगी ऐसी मेरी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन हल्का सा संविधान की तरफ झुकना शुरू कर देंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आंदोलन है, संघर्ष है, जमीन पे चल रही जो काम है, जो प्रतिरोध है, और ये जो आंदोलन जीवी है जिनको मोदी जी ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, वो सब आंदोलन जीवे जब अगली बार अपने हाथ उठाएंगे ना, तो उनकी मुट्ठी ज्यादा कस जाए, और ये कसी हुई मुट्ठी संघर्ष ये लोकतंत्र का प्राण, ये बच जाएगी, मेरी ये उम्मीद है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के खेल में ना तो मेरी दिलचस्पी है, ना ही मुझे कोई विशेषज्ञता है इस खेल का परिणाम बताने। योगेंद्र जी, आपने ये कहा न्यूज तक में, आप पिछले हफ्ते आए थे हमारे साथ बात करने के लिए, कि चंद्रबाबू नायडू आप मंगलवार की शाम को देखिएगा वो क्या करते हैं, तो आपको अभी भी ऐसी कोई संभावना लग रही है कि इंडिया की सरकार बन सकती है या नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी? अब मिलिंद जी, सच बात जैसे मैंने तब भी कहा था, मैं ना इन चीजों को बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ, इतना मैं जरूर जानता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू को व्यक्तिगत रूप से ये इस चीज की खुंदक है कि मोदी जी के कहने पर मुझे जेल में डाल, और वो इस बात को जल्दी से भूलेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्या सौदेबाजी होगी दिल्ली में बंद दरवाजों के पीछे, और कौन से एग्जीक्यूटिव प्राइवेट जेट कहाँ जाएंगे, और जो प्राइवेट जेट जाएंगे उनमें कौन व्यक्ति जाएंगे, व्यक्तियों के साथ क्या कुछ जाएगा उनके पास, ये सब खेल मैं नहीं जानता, ये आपको दो चार दिन में पता लग जाएंगी। मेरी इसमें जैसे मैंने कहा ना तो विशेषज्ञता है, सचमुच और ईमानदारी से कहूँ तो बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं। कुमार के बारे में आपको लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास भी अब एक तरह से ट्रम्प कार्ड है, अब तक वो बीजेपी के रहमो करम पे थे बिहार में कि उनका मुख्यमंत्री पद, अब जो है दिल्ली की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उनके हाथ में होगी। नीतीश कुमार मेरे गुरु भाई हैं, मेरे गुरु किशन पटनायक के शिष्य वो भी थे, उन्हीं का शिष्य मैं भी हूँ, और मैं समझता था कि मैं नीतीश जी की बातों को कुछ समझता हूँ, और उनके लिए सम्मान था, मगर जो पिछली बार उन्होंने किया उसके बाद से मैं तो बिल्कुल उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। लोग कहते हैं कि उनके साथ खड़ा हुआ व्यक्ति भी उनको नहीं समझ पाता, मैं कौन सी खेत की मूली हूँ कि मैं उनको समझ। योगेंद्र जी, आपने जो भविष्यवाणी की थी उसे लेकर आप पर कोई दबाव था? दबाव मतलब कोई बाहर से दबाव? जी नहीं, बाहर से नहीं, नहीं योगेंद्र जी बाहर से नहीं, मतलब ये जो भविष्यवाणी करने के बाद जितनी ट्रोलिंग आपकी हो रही थी, जो जो चीजें आपको कही जा रही थी कि मतलब आपने कह दिया, आपने जो देखा आपने कह दिया, लेकिन लोग मजाक उड़ा रहे थे कि भाई ये जो देखा है वो सही साबित नहीं होगा, खास करके एग्जिट पोल आने के बाद में, तो बाहर के दबाव के नहीं, मैं आप अंदर आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर ये गलत होगा तो क्या होगा, मतलब उसका दबाव या उसकी उसका डर मैं पूछना चाह रहा हूँ। मिलिंद भाई, मैंने कई वर्षों तक ये काम प्रोफेशनली किया था, और मैं जानता था कि इसमें, इस काम में आपको सिर्फ गाली ही मिलती, कभी कभार कुछ घंटों के लिए प्रशंसा मिल जाती है, और ये मैं जानता हूं कि अगर आप सही फोरकास्ट कर देते हैं तो लोग 24 घंटे तक आपको याद रखते हैं और 24 घंटे ताली मिलती है, और अगर आप एक गलत बात कह देंगे तो लोग 24 साल तक भूलते नहीं है उस बात। ये इस बार भी होगा, 24 घंटे की ताली है, अच्छी बात है। ये मैं जानता था कि ये सब हो, लेकिन जैसा मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, मैं इस बात, मैं ओपिनियन पोलिंग छोड़ चुका हूं, सेफोलॉजी में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं,
देश का सबसे अच्छा भविष्य वक्ता बनूं ऐसी मेरी जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं कतई नहीं करना चाहता। मैं तो मजबूरी से धकेला गया था इसके अंदर, इस बात मजबूरी से इसलिए धकेला गया था कि मैं देख रहा था कि ओपिनियन पोल्स का इस्तेमाल करके, सर्वे का इस्तेमाल करके माहौल देश में बनाया जा रहा था, चुनाव की शुरुआत में ही वॉकओवर हो जाए विपक्ष का, ये करने की कोशिश की जा रही थी और इसमें सर्वे का सहारा लिया जा रहा था। चूंकि मैं देखता था, मैं देख पाता था, इसलिए मैंने वहां इंटरवीन किया और कहा कि ये तो झूठ बोला जा रहा है। तो ये मेरा एक राजनीतिक धर्म था ये बताना कि जो बोला जा रहा है झूठ है, क्योंकि मैं सच समझ रहा था, जो मुझे सच दिख रहा मैंने इसलिए बोला। रिस्क था, बिल्कुल बहुत रिस्क था, अगर गलत होता तो सारी दुनिया ना सिर्फ हंसती बल्कि ये भी कहते कि देखिए इन्होंने फला आदमी फला पार्टी का सपोर्ट करने के लिए ये भविष्यवाणी की थी। तो ये तो इस देश की फितरत है, लोग नियत पे शक हमेशा करते हैं। एक दिन मैंने कह दिया कि वो मेरे ट्वीट को लेके प्रशांत किशोर ने कुछ कर दिया, तो जो लोग कांग्रेस या इंडिया के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है वो लोग ही मेरे पीछे पड़ गए कि देखिए आस्तीन का सांप है। तो हिंदुस्तान में दिक्कत ये हो गई है कि हमने असहमति की भाषा की गुंजाइश खत्म कर दी है और केवल एक दूसरे के नियत पे शक करना और गाली गलौज की भाषा हमने बना दी है। ये शक था लेकिन मुझे इतना लगता था, एक दोस्त ने मुझे कहा अंग्रेजी में, उसने कहा कि यू हैव स्टेक्ड योर एंटायर लाइफ्स रेपुटेशन ऑन दिस। मैंने कहा यार सच है लेकिन ऐसी रेपुटेशन को लेके मैं अपनी चिता पे नहीं जाना चाहता। कोई बात नहीं, अगर सच बोलने में अपना धर्म निभाते हुए वो सारी रेपुटेशन डूबी गई, मुंह काला ही हो गया, कोई बात नहीं, उसके साथ मरना मैं पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं अपनी रेपुटेशन बचाने के ख्याल से सच जानते हुए भी ना बोलूं और चुपचाप सेफ प्ले करूं। ये मैंने सीखा नहीं। इंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन और एक नेता के तौर पर राहुल गांधी के प्रदर्शन को इस पूरे चुनाव में आप क्या कहेंगे? इन सब चीजों के बारे में मेरा एक सिंपल प्रश्न होता है कि मान लीजिए कांग्रेस को 60 सीट आती जैसा कि एग्जिट पोल कह रहे थे, उस वक्त लोग राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे? वो कहते कि निकम्मा राजनेता है, वो कहते कि भाई ये तो देखिए क्या यात्रा पे निकल दिए, समझ नहीं आती कि इस देश में खाली यात्रा से कुछ नहीं होता, आपको राजनीति की कोई समझ नहीं है और ये बिल्कुल पता नहीं कहाँ की वैचारिक राजनीति लेके आए हैं, ये है वो है, सब बातें कही जाती ना। तो अब जब नहीं है तो शायद हमें कुछ तो श्रेय देना ही पड़ेगा। जैसा मैं कहता हूं, अगर जीत जाते तो सारा श्रेय मोदी जी को होता, सारी चैनल मोदी जी के गाने गा रही होती। तो अब भैया हार गए तो जरा मोदी जी के बारे में दो चार शब्द बोल दो ना कि वो जिम्मेवार हैं इसके लिए। इसी तरह से राहुल गांधी को कुछ तो श्रेय मिलना चाहिए। हालांकि मेरी हमेशा मान्यता रही है कि जो जीता वही सिकंदर राजनीति का नियम नहीं होना चाहिए, जो जीता उसकी गलतियां देखी जानी चाहिए, जो हारा उसके पॉजिटिव देखे जाने चाहिए। मैं राहुल गांधी को एक दो चीजों के लिए श्रेय देता हूं। सबसे बड़ा श्रेय इस चीज के लिए देता हूं, जब सारा देश उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद 2022 में जब सारा देश कांग्रेस पार्टी के तमाम कई नेता कार्यकर्ता सब मान चुके थे कि भैया अब एक ही रास्ता है कि बीजेपी की पूंछ पकड़ो और उसी रास्ते पे आप भी राजनीति करो जैसी बीजेपी जिन जिन सवालों को उठा के करती है, अरे सॉफ्ट हिंदुत्व करो, ये करो वो करो, ऐसे में राहुल गांधी खड़े रहे, अड़े रहे, लड़ते रहे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। दो तीन बार मेरा उनसे एक्सचेंज हुआ था पिछले दो तीन साल में, तो जब उन्होंने ये बात की, एक्सचेंज बहुत बार हुआ है, उन्होंने एक बार मुझे कहा कि पता है मेरी पार्टी में मैं ही अकेला एक पागल जो सोचता है कि ये चुनाव हम जीत सकते हैं, कोई नहीं मानता पर मैं पागल हूं, मैं मानता हूं कि हम जीत सकते। एक नेता में ये पगलापन होना चाहिए, राहुल गांधी ने ये क्षमता दिखाई खड़े रहने, अड़े रहने, ये जिद कि हम उस पे कायम रहे। और दूसरा, राहुल गांधी ने एक बड़ा काम किया कि कांग्रेस को दोबारा उसके अपने सामाजिक आधार से जोड़ दिया। कांग्रेस का सामाजिक आधार कौन? गरीब, दलित, पिछड़े, हाशिए पे रहे हुए लोग, अल्पसंख्यक इत्यादि। राहुल गांधी ने कम से कम ये पहचान की कि ये पार्टी उनकी पार्टी है, इस पार्टी का एजेंडा और मैनिफेस्टो उनके लिए बनना चाहिए और धीरे धीरे पार्टी का नेतृत्व और नीतियां भी उसके हिसाब से बननी चाहिए। तो ये दो शुरुआत की, ये दो बहुत बड़ी चीजें, इन सब के प्रतिफल अभी नहीं मिले। आप मत सोचिए कि 100 सीट उसके कारण आ रही है और उस सब के कारण केवल 100 सीट आ रही है। अगर ये राजनीति आगे चली, राहुल गांधी इस पर कायम रहे और आज की जीत के बाद उनको ये करने का प्रतिसाद मिलेगा, उनकी क्षमता बढ़ेगी, पार्टी में अपना उनका वजन बढ़ेगा,
अगर इस पे कायम रहे तो ये जो आज 100 दिख रही वो अगली बार 300 बन सकती है। सुनने में अतिशयोक्ति लगेगी लेकिन याद रखिए 100 का 300 बनते राजनीति में बहुत समय नहीं। जी योगेंद्र जी, लोकसभा चुनावों का पूरा पटाक्षेप हम नहीं कह सकते कि नतीजों के साथ हो गया है, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में सरकार कौन बना रहा है, किस तरह बना रहा है, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और उन तमाम मुद्दों पर भी हम आपसे तफसीली बातचीत के लिए दोबारा जुड़ेंगे। आज आपकी व्यस्तता के चलते छोटी बातचीत हुई, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।